नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं जूडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं सेट थ्योरी पर। और काफ़ी सारे लॉजिक्स डिस्कस करने के बाद अभी हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछा गया था गेट 2019 में फॉर 2 मार्क्स, और देखते हैं कि कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कॉलेज देर आर 3 स्टूडेंट क्लब्स, 90 स्टूडेंट्स आर इन द ड्रामा क्लब, 80 स्टूडेंट्स आर इन द डांस क्लब एंड 30 स्टूडेंट्स आर इन द मैथ क्लब। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन जो करना होता है कि ताकि छोटी गलतियां हम ना करें, यहाँ पर इसने साथ में एक वर्ड लिख दिया ओनली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लब को मान लेता हूँ ड्रामा क्लब, दिस सर्किल एंड दिस सर्किल लेट मी से रिप्रेजेंट्स डांस क्लब, और एक सर्किल रिप्रेजेंट्स करता है मैथ क्लब, तो क्या पूरे सर्किल की बात हो रही है? जी नहीं, इसने बोला आर स्टूडेंट्स कितना 60 स्टूडेंट्स आर ओनली इन द ड्रामा क्लब। तो 60 दोस्तों यहां पर आने वाला है, जो शेयर्ड है उसकी बात हम नहीं कर रहे। देन बोलता है 80 स्टूडेंट्स आर इन द डांस क्लब, तो 80 में इधर लगा लेता हूँ, 30 स्टूडेंट्स आर इन द मैथ क्लब। अब देखिए 40 स्टूडेंट्स आर बोथ इन डांस एंड ड्रामा, तो अगेन अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर लिखना मेरे को चाहिए 40 जो इंटरसेक्शन में आएगा, 12 स्टूडेंट्स आर बोथ इन डांस एंड मैथ, डांस और मैथ में आएगा 12, एंड देन 7 स्टूडेंट्स आर बोथ इन ड्रामा एंड मैथ, ड्रामा और मैथ के अंदर टोटल कितना आएगा 7, एंड देन 2 स्टूडेंट्स आर इन ऑल द क्लब। अब यहाँ पर अगर 2 आएगा तो इसका मतलब ये टोटल जो 40 था 2 इधर चला गया, तो इधर बचेगा 38, सिमिलरली इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा 5। देखिए सोच पा रहे हैं क्या, बड़ी मजेदार बात है। तो टोटल 40 था, 2 क्योंकि शेयर्ड है तो यहाँ पर सिर्फ 38 ही बचेगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज मैंने करेक्ट कर ली हैं। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर नॉट इन एनी ऑफ दीज क्लब्स, तो ये जितना भी डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 25%, बिकॉज 75% तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा किसी भी क्लब में, तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो अब ध्यान से पहले ये सारी बात समझने के बाद आप पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो कितने होंगे, 60 होगा। अब अगर मैं 38 ले लेता हूँ, देन उसके बाद 80, या अगर मैं इंडिपेंडेंटली काउंट करूँ, पहले 60 देन 80 एंड देन 30, ये तो सिर्फ डांस ड्रामा और मैथ वाले हो गए, फिर इंटरसेक्शन, सो आई टेक 38 एंड देन आई टेक 5 एंड आई टेक 10 और लास्ट में ये जो 2 है ना, तो इसको आप सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 एंड 38 40 एंड 60 100 हो जाएगा, प्लस 30 एंड 180 इज 110 हो जाएगा 210। ओके, तो दिस वैल्यू विल बी 225। तो ये 225 टोटल स्टूडेंट्स नहीं है, ये सिर्फ वो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे हमें बोला कि 75% पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो लेट मी से अगर टोटल स्टूडेंट है x, सो 25% ऑफ द x यहाँ पर हो जाएंगे 225, क्योंकि बच्चे में जो 75 है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी 225 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी 4, इसको करूँगा इंटू 2, 450, तो ये वैल्यू आ जाएगी 900। तो 900 इज द करेक्ट आंसर। कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने, 900। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट ट्रिकी था। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइडिया वही वाला है जो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह के अप्रोच में। तो अगेन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहना, ध्यान लगाते रहना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए थोड़ा समय, फिर हाजिर होता अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।